अविनाश जी स्वागत है आपका। के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का रुख करते हैं। अविनाश जी, आज के बाजार पर आपकी क्या राय है? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए किसी की, ये आपसे समझेंगे। बाजार के लिए बेसिकली ट्रिगर्स कहां से आ रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो कहां पर नजर रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स कल आरबीआई पॉलिसी क्लोजली वॉच करेंगे और होपफुली अगर आरबीआई गवर्नर सॉफ्ट पॉलिसी स्टांस अडॉप्ट करते हैं जो पोस्ट पॉसिबल होगा तो मार्केट्स को ये बात अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्याज इंटरेस्ट रेट जितने कम रहेंगे उतना इक्विटी के लिए बढ़ने के लिए स्कोप रहेगा। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि एफआईआईज की लिक्विडिटी अभी भी बरकरार है, तो मार्केट्स में जो माहौल है वो बाय ऑन डिक्लाइंस का ही रहेगा और कोई भी अगर कमजोरी मार्केट में आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। और बात पोजिशनल पिक के लिए, तो हमको ऑटो कंपोनेंट स्पेस में भारत फौज पसंद है। भारत फौज का जो ट्रिगर पॉइंट है वो उनका यूएस मार्केट से क्लास 8 ट्रक्स का नंबर है जो काफी बेहतरीन आया है और उसका इंपैक्ट नंबर्स में आएगा, तो 8 से 10 दिन के लिए भी अगर कोई खरीदना चाहे शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे करीबन 559 का टारगेट लेके करीबन 529 का स्टॉप लॉस रखे, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कंपनी के लिए और इसका रिस्क रिवॉर्ड 8 से 8 दिन के लिए इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी राय से पोजिशनल पिक रहेगा फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज। हफ्ते भर की खरीदारी भारत फोर्ज में करने की सलाह आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की बात होंगे। अविनाश जी, क्रेडिट पॉलिसी, वैसे जैसे आपने जिक्र भी किया कि मार्केट की नजर जरूर रहेगी कि क्या डिसीजन निकल कर आता है, लेकिन हमारे पोल में तो ये साफ है कि इस बार रेट्स जस के तस रहेंगे, बरकरार वैसे ही रहेंगे, स्टेटस को मेंटेन। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि स्टेटस को ही रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लोअर लेवल्स पे है और ऑब्वियसली जो कोविड की पैंडमिक हुई है प्लस जो ग्लोबली क्रूड रिलेटेड या करेंसी रिलेटेड फैक्टर्स है वो देखते हुए हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा बदलाव आएगा। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो गवर्नर साहब की कॉमेंट्री रहेगी, बेसिकली GDP ग्रोथ का क्या अनुमान उनका है अगले साल के लिए और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पे उनका क्या टारगेट है, ये दोनों चीज़ें मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कमेंट्री या पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला अगर न्यूज फ्लो आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी पसंद आएगा और इसका सीधा इंपैक्ट आपको सारे बैंक्स और NBFC स्टॉक्स पे कल देखने को मिल सकता है। अविनाश जी, आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहां रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मैं समझता हूँ कि मेटल स्पेस में अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे कैश काउंटर है कल्याणी स्टील जो भारत फौज ग्रुप कंपनी है। इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर Q2 के लिए रिकॉर्ड किए हैं और इस कंपनी की खासियत है कि ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 400 करोड़ की कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी बढ़िया है। भारत फौज को करीबन ये 55-60% अपना प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं और एक डिफेंस प्लेयर भी है, तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल अच्छा है और कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है और कंपनी काफी अच्छी तरह से हमको लग रहा है 6 से 8 महीने में अच्छा ग्रोथ देखी, तो यहाँ से खरीदने का एक अच्छा मौका है। हमको लग रहा है 12 से 15 महीने में अगर कोई होल्ड करे तो कम से कम 315-316 का टारगेट मिल सकता है, तो अच्छा बेहतरीन कैश काउंटर है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो ये खरीदना चाहिए। कल्याणी स्टील में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में आज हमारे शामिल हुए और अपनी राय दी।